हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 5:30, लेकिन मैं 5 बजे उठ गई थी। दरवाजे वगैरह खोलते खोलते 5:30 हो गया और मैं तुरंत झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा जल्दी करना है, क्योंकि आज है पूजा, वट सावित्री है, आज वट सावित्री का व्रत है। और मेरे हस्बैंड की भी आज मीटिंग है, तो वो भी जल्दी जाएंगे, क्योंकि तो वो 8 बजे निकलेंगे, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ मंदिर जाऊंगी, तो वो भी 8 बजे निकलेंगे। तो मैं फटाफट इसीलिए कर रही हूँ कि मैं बस यहाँ मैं निपटा के जल्दी से मैं सीधा नहाने जाऊंगी। और इस वाले व्रत में पूजा करने के बाद ही पानी वगैरह पीते हैं, इसलिए मैं पानी चाय वगैरह नहा पूजा करने के बाद ही पीऊँगी। बस यहाँ पे मैं ब्रश करके सीधे नहाने जाऊँगी और बाकी का काम मेरा हो गया है। यहाँ पे साड़ी मैंने पहन ली है, बस मैं चूड़ियाँ पहनने जा रही हूँ। और ये वाली साड़ी मेरी शादी की टाइम की है, तो मैंने ना इसकी मैचिंग का ब्लाउज नहीं पहना, क्योंकि इसमें वैसे ऐसे ही कलर का ब्लाउज था जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कंट्रास्ट में पहन लिया। इसमें ना ब्लू और ग्रीन ऐसे कलर के ना वो सितारे लगे हुए थे, तो मैंने ब्लू कलर का मेरे पास ब्लाउज था, तो मैंने इसीलिए ये ब्लाउज ब्लू कलर का ब्लाउज पहन लिया। आप लोग बताना कि ये कैसी लग रही थी। और यहाँ तैयार मैं हो चुकी हूँ और बस यहाँ पे मैं ये माहौर लगा रही हूँ। मेरे पास माहौर रखा था, तो मैंने कहा आज पूजा है और पूजा में माहौर लगाना अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। और ये कलर मैं मतलब माहौर मैं अपने घर से ही वहीं से यूपी से लेके आती हूँ। और बस यहाँ पे मैं ये कौंच में मैंने थोड़े से चावल रख लिए हैं, कहते हैं खाली मतलब ऐसे करके नहीं कलर रंग लगाते हैं, तो ये मेरे गिर गिर जा रहे हैं चावल। मैं जब भी कलर मतलब रंग लगाती हूँ तो मेरे चावल गिर ही जाते हैं, तो यहाँ पर मैं कलर लगा लेती हूँ, रंग लगा लेती हूँ कलर। और पूजा के लिए मैं ये सामग्री लेके जाऊंगी, इसमें मैं घी का दीपक और इसमें हल्दी है और ये मौली है और ये 12 बार मैंने धागा लपेट के हल्दी में रखा हुआ है। और ये फल है, फल में मैं खरबूजा चढ़ाऊंगी और इसमें मीठा जल है डोलू में। और डोलू में इसलिए लेके जाती हूँ कि मैं बुलेरो गाड़ी से जाती हूँ ना, तो उसमें धचके बहुत लगते हैं, तो मेरा सारा सामान ऐसे फैल जाता है। अगर मैं थाली वगैरह में लगा के ले जाऊँ तो मैं हमेशा से डोलू में ही भर के ले जाती हूँ। अगर मैं उसमें लोटे वगैरह में लेके जाती हूँ तो मेरा पूरा पानी और ये सब सामान इधर उधर हो जाता है। और मैं मंदिर के लिए निकल पड़ी हूँ, अब मैं मंदिर जाऊँगी इनके साथ। और मंदिर में ब्रह्म सरोवर पर वहाँ पे बहुत सारे बट वृक्ष हैं, तो मैं वहीं जाके पूजा करूँगी। और यहाँ पे ये लॉक कर रहे हैं, और देखिए ब्रह्म सरोवर पर कितनी भीड़ है, क्योंकि आज है सोमवती अमावस्या भी और वट सावित्री पूजा भी है आज, क्योंकि और सोमवती अमावस्या पे लोग यहाँ स्नान करने आते हैं ब्रह्म सरोवर पे, तो बहुत भीड़ है आज यहाँ। और यहाँ पे मैं ब्रह्म सरोवर पहुँच गई हूँ और मैं अंदर थोड़ी नहीं गई पूजा करने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और गाड़ी को पार्किंग करने की बिल्कुल जगह नहीं मिल रही थी, तो ये बोले क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म सरोवर पे बहुत वृक्ष हैं, ये बट वृक्ष तो हजारों होंगे, आप कहीं भी पूजा कर लो, तो ये बोले कहीं भी पूजा कर लो, ज़रूरी अंदर जाओ, फिर गाड़ी पार्किंग करने की जगह नहीं मिलेगी, फिर मैं कैसे वापस आऊँगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा और मुझे निकलना भी है। तो चलो मैंने कहा पूजा करनी है, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने पूजा की जो सामग्री बताई थी आपको, पर बस वही चढ़ा दी मैंने और परिक्रमा भी लगा ली मैंने, और बस मेरी पूजा यहाँ पे संपन्न हो गई है। वहाँ पे जो मैंने मीठा जल चढ़ाया था ना, वो थोड़ा सा वापस लाते हैं घर में, और ये 7 चने जो चढ़ाए थे और बौड़ी के जो 7 टुकड़े करके, वो एक बारी में हमें निगलने होते हैं, और ये वो जो धागा होता है मैंने चढ़ाया था वो भी हमें गले में डालना होता है। यहाँ पे मैं तुरंत ही चाय बनाने लगी, ये बोले कि बस मुझे चाय और ब्रेड दे दो, मैं मीटिंग में ही नाश्ता करूँगा।
और पूजा वगैरह करने के बाद मैं सीधा फिर किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं ये कुकर में आलू उबलने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू की कचौड़ी और खीर, क्योंकि कहते हैं कि पूजा के दिन घर में कढ़ाई ज़रूर चढ़नी चाहिए। आलू उबल चुके हैं और यहाँ पे मैं कचौड़ी का आटा लगा रही हूँ। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और 2 या 3-4 चम्मच मैं घी डालूंगी। और बस इसको हथेली की सहायता से आटे को मैं मतलब घी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लूँगी और पानी से थोड़ा थोड़ा करके पानी से इसको आटे को गूँथ लूँगी। और आटा थोड़ा सा रोटी से थोड़ा सा टाइट लगाना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, बस रोटी से थोड़ा सा टाइट हो। और यहाँ पे आलू ठंडे हो गए हैं और मैं ये आलू को मैश कर लूँगी। अभी आलूओं को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है और यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और साथ में मैं इसके पीठी में डालने के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसमें जीरा और सौंफ को मैं तवे पे भूंज लूँगी। और ये जो कचौड़ी में भरते हैं ना, इसको पीठी कहते हैं बुंदेलखंडी में, ये पीठी तैयार की जाती है कचौड़ी में भरने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जीरा और थोड़ी सी एक हरी मिर्च डाली है मैंने, और ज़रा सी मैं हींग डालूँगी। और ये मसाला तैयार हो गया है और ये यहाँ पे हरी मिर्च भूंज गई है, तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी सारे। और फिर थोड़ी देर इसको आलू डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करूंगी मसाला। ये अभी तो सिंपल आलू ही फ्राई करना है, इसमें अभी कोई मसाला ऐड नहीं करना है। और साथ में यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है खीर के लिए। अब ये मसाला भूंज गया है, मतलब आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं और मैंने जो जीरा और सौंफ भूंजा था उसको मैंने खलमूसरी में अच्छे से कूट के और इसमें डाल दिया है। साथ के साथ मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है और मैं ये सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा अच्छे से चलाऊंगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और ये चीज़ें डालने के बाद फिर दोबारा से अच्छी तरीके से चलाऊंगी और फिर इसे थाली में निकाल लूंगी। मैं नमक और खटाई बाद में डालूंगी जब ये आलू ठंडा हो जाएगा, मतलब मसाला ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर खीर मेरी बन चुकी है, तो मैं इसमें चीनी और मैंने थोड़े से बादाम और किशमिश डाल दी है। और यहाँ पे आलू ठंडा हो गया है, फिर मैं इसमें थोड़ी सी खटाई डालूंगी और इस नमक ऐड करूंगी। अब इन चीज़ों को अच्छे से आलू में मिक्स कर लूंगी ताकि ये मसाला भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और ये पीठी तैयार हो गई है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है ताकि ऑयल गरम हो जाए अच्छे से। और मैं पहले जो धनिया मैंने डाली थी ना, उसमें जब मैं बना रही थी जब पीठी, तो मैंने वहाँ पे धनिया डाली थी और मैं गलती से हरी मिर्च बोल गई, नहीं आप लोग बोलेंगे इतनी सारी हरी मिर्च डाली है। और यहाँ पर मैं तेल गरम हो गया है, मैं एक एक करके कचौड़ियाँ तल लूँगी। और व्रत और पाठ पूजा के दिन घर में कढ़ाई भी चढ़ाई जाती है, तो बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा कचौड़ी खानी है काफ़ी दिन से। ये छोटी गुड़िया भी और बड़ी गुड़िया दोनों को ही कचौड़ी आलू की पसंद है, क्योंकि इसमें जो मसाला बनता है ना वो उसमें समोसे वाला टेस्ट आता है, तो ये दोनों बहुत पसंद करती हैं आलू की कचौड़ी। तो मैंने कहा चलो आज खीर और कचौड़ी भी बना लेते हैं, त्यौहार भी है और कचौड़ियाँ अच्छी भी लगती हैं, सभी को अच्छी लगती हैं कचौड़ियाँ। कचौड़ियाँ कई प्रकार की बन जाती हैं, जैसे आलू की, उड़द की दाल की, मूंग की दाल की। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी कचौड़ी पसंद है और आज की कचौड़ी आपको पसंद आई कि नहीं आई, ज़रूर बताना कमेंट्स करके। और यहाँ पर खीर बन के तैयार हो रही है और मैं मतलब पूरी कचौड़ी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी बना लूंगी ताकि बच्चों को भी खिला दूं। और यहाँ पे मैं थाली लगा लेती हूँ कचौड़ी की और उसकी खीर की। आप लोग भी आ जाइए और ये लीजिए, कचौड़ी बनके तैयार है। और आज सोमवती अमावस्या भी है और वट सावित्री पूजा भी है, उसी के उसमें हमने आज ये खीर और ये कचौड़ी बनाई है। बच्चों का भी मन था और आज पूजा भी थी, तो मैंने कहा आज कढ़ाई चढ़ाई जाती है पूजा के दिन, तो मैंने कहा ये खीर और कचौड़ी आज
आज के दिन बना लेते हैं। और ये लीजिए, अगर आज की रेसिपी आज आपको पसंद आई हो कचौड़ी आज की, और तो कमेंट करके ज़रूर बताना। खाना पीना हमारा हो गया है, और ये उस दिन संडे के दिन मैंने मक्खन निकाल के रखा था, तो मैं इसको गरम कर लेती हूँ। और ये वाली कढ़ाइयाँ मैंने ये घी गरम करने के लिए स्पेशल रखी है, और हमारी यूपी में कढ़ाई भी बोलते हैं, कढ़ाइया भी बोलते हैं। और यहाँ पे साइड में ये मैंने पानी उबलने के लिए रखा है, और यहाँ पे देखिए जो मेरे घर में ना कबूतरनी ने घोंसला बना के रखा था ना, उसमें उसने दो अंडों को मतलब दे रखे थे, अब उसमें से ना बच्चों ने जन्म ले लिया। ये देखिए आप, दो छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।